कढ़ी पकौड़े। आपको क्या, मैं बेवकूफ लगती हूँ? मेरे को पता आप कढ़ी बना रहे हो। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बेटी काफ़ी दिनों से कह रही है कढ़ी चावल के लिए, क्योंकि उसका फेवरेट है राजमा चावल और कढ़ी चावल। तो आज भी जो है मैं उसकी फरमाइश कर रही हूँ, पूरी आज भी करूँगी और कल भी करूँगी, क्योंकि कल मैंने सोचा है कि उसके लिए राजमा चावल बनाऊँगी। फ़िलहाल तो आज मैं जो बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी चावल बना रही हूँ, और सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। लेकिन मैंने उसको बताया नहीं है अब तक कि मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, क्योंकि उसका है एग्ज़ाम और वो पढ़ रही है अपने कमरे में, दरवाज़ा बंद है, और मैं बहुत ही आराम आराम से काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, खुशबू से उसको पता चल सकता है, लेकिन फिर भी देखेंगे। और यहाँ पे देखिए पकौड़े की तैयारी भी मेरी साथ ही हो रही है, और दोनों चीज़ें जो है मेरी साथ ही पकेंगी और जल्दी हो जाएगा सारा काम। इसके बाद जो है मैं चावल भी बना दूँगी। तो मौसम जो है आज थोड़ा सा चेंज लग रहा है, हो सकता है बारिश आ जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े मेरे बन रहे हैं, और सारे पकौड़े मैं बना लूँगी, कुछ पकौड़े जो है बच्चों को भी दे आऊँगी जाके। तो बस आगे देखते जाइए और क्या क्या होगा। फ़िलहाल तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मैं कुछ सोच के व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, बस कर देती हूँ जो जो मैं करती रहती हूँ, वही रूटीन आपके साथ जो है शेयर करती हूँ। और चलिए आगे जो होगा आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो यहाँ देखिए कढ़ी भी जो है मेरी बन चुकी है, और पकौड़े भी जो है मैंने इसमें डाल दिए थे, काफ़ी गर्म लग रहे थे पकौड़े, और मैंने जो है एक एक दो दो डाले क्योंकि हाथ जल रहे थे। और यहाँ पे सारे पकौड़े में डाल के उसको जो है मैंने अच्छे से पका लिया था, कम से कम 10-15 मिनट तक तो और इसको पकाया होगा। तो मेरे पकौड़े भी जो है सॉफ्ट हो गए हैं, कढ़ी भी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें लगाते हैं तड़का, जो कि यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है तड़के की। तो तड़के में वो जो है मैं हींग जीरा और सूखी लाल मिर्च का ही तड़का लगाती हूँ, तो जो है सबको यही पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए तड़का भी जो है मैं लगा लूँगी, कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। और इसके बाद जो है मैं बनाऊँगी चावल, तो जीरा राइस बनाने वाली हूँ, उबाल के नहीं बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड को उबाल के पसंद नहीं है चावल, उनको बॉयल्ड राइस नहीं खाते हैं, उनके घर में भी जो है जीरा राइस ही बनता था तो वही उनको आदत है। तो बस यहाँ पे जो है मैं जीरा राइस की भी तैयारी कर लूँगी। चावल मैंने धो के रख दिए हैं, उसकी भी तैयारी पूरी कर चुकी हूँ, और फटाफट से जो है खाना बना के मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ देखिए बन चुका है मेरी कढ़ी, और अब इसमें लगेगा तड़का। ये देखिए लग गया है, बहुत मज़ेदार लगता है कढ़ी का तड़का, और खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बस क्या कहने हैं। देखिए कितनी अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी, बहुत ही डिलीशियस कढ़ी बनी थी। तो चलिए अब बना लेती हूँ यहाँ पे मैं चावल। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, तो सिंपल जीरा राइस बना लेते हैं। तो ज़ीरा राइस की भी जो है यहाँ पे तैयारी हो गई है, जा चुका है पानी। तो अब हम इसमें लगाएंगे 2 सीटी, तब तक जो है मैं बेटी से पूछ के आती हूँ कि उसको पकौड़े कैसे लगे। खाली पकौड़े? आपको क्या, मैं बेवकूफ़ रखती हूँ? मेरे को पता है आप कढ़ी बना रहे हो। तुझे कैसे पता चला? वो अगर पकौड़े बना रहे होते तो 5-6 देते, 2-3 थोड़े देते। अच्छा, पहले मैं तुझे दे नहीं रही थी, मैं तुझे सरप्राइज दूंगी तुझे कढ़ी का, लेकिन बस मन नहीं माना ना, आयुष को दिए थे तेरे को भी दे दिए। चल कोई बात नहीं, मेरा सरप्राइज खराब हो गया, पढ़ ले। तो बन चुका है हमारा लंच। तो यहाँ पे जो है मैं गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ सबके लिए, नहा मैं चुकी हूँ, और ये देखिए बेटी को जो है मैंने सरप्राइज़ देने के लिए बनाया था, लेकिन इसको पता चल गया था, क्योंकि अक्सर जो है मैं पकौड़े ऐसे दोपहर में लंच में बनाती नहीं हूँ, उसको पता चल गया था। हाँ, कभी अच्छा मौसम होता है बारिश में तो शाम को ज़रूर बना लेती हूँ, तो बस उसने आइडिया लगा लिया कि कढ़ी चावल मम्मी ने बनाए होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबको जो है मैं लंच दे रही हूँ, और ख़ुद भी लूँगी।
करते मजा आ रहा है, देख तू मान लग रही है आने तो दे पागल है, पहले तो डर रही है आने तो दे उसे गुस्सा आ जाएगा मतलब एक बार और वो समझ गई तेरा खेल उसको दिख तो रहा है ये है क्या चीज लेकिन कर रही है कर तो रही है दो मिनट रहने देखती है ये हटाएगी नहीं हटाएगी वो समझ गई तेरा खेल जज जाऊंगी ये हटा देगी या तो उसको ही पता चलेगी कागज कुछ चाबी क्या हुआ परेशान कर रही है चल कोई नहीं बैठी दे हो चुकी है शाम और मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में और अब हो रही है फरमाइश पूरी आयुष की क्योंकि वो कैसे पीछे रहता आयुषी की पसंद की चीज़ बनी थी तो उसको भी जो है अपनी पसंद की चीज़ बनवानी थी चाहे थोड़ी ही बनवानी थी लेकिन बनवानी थी जबकि मैंने उसको कहा था कि मैं उसके लिए कल बना दूँगी लेकिन उसने कहा नहीं मुझे अभी खाना है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए घी का हलवा जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आधा घी रखा था उसी का जो है मैं यहाँ पर हलवा बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी हलवा बना था एक कटोरी बना है ये देखिए बहुत ही लेकिन बहुत ही अच्छा लगा सबको अच्छा लगा बेटी को भी बेटे को भी हस्बैंड को भी जो है मैंने थोड़ा सा दिया था तो वो तो कह रहे थे कि और है तो दे देना मुझे सुबह तो मैंने कहा नहीं और नहीं है बस इतना ही है और मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो आज का जो व्लॉग है मैंने बच्चों के लिए नाम कर दिया है उन्हीं की फरमाइश पूरी की है उनकी पसंद की चीज़ें बनाकर मौसम हो गया बहुत ही ज़्यादा सुहावना अभी सुबह से तो गर्मी थी लेकिन अभी अचानक से जो मौसम चेंज हो गया मैं काम कर रही तो देखा बाहर जो है हल्की हल्की बारिश आ रही है और हवा चल रही है बड़ी ठंडी बहुत अच्छा लग रहा है बादल बने हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं बरस जाएँ पूरे अच्छे से तो मज़ा आ गया लेकिन हवा अच्छी चल रही है बारिश हो रही है अभी मज़ा आता है ऐसे मौसम में काम करने का नहीं सुबह से मैं मर रही थी गर्मी की वजह से चलिए काम कर लेती हूँ बच्चे आने वाले हैं मतलब बेटी आने वाली होगी अभी टाइम है वैसे 12:30 बजे लेकिन लंच वगैरह बनाना है तो वही टाइम हो जाएगी फिर देखिए बारिश आ गई आवाज़ आ रही होगी आपको शेड के ऊपर बूंदे पड़ रही बूंदे तो नहीं बारिश हो रही है मैं सोची थी छत पे जाऊँगी मज़ा आ गया तो बारिश भी जो है स्टार्ट हो चुकी है अभी और बेटी भी आ चुकी है स्कूल से अभी पूरी अच्छे से नहीं हुई है बारिश तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको जो है बोला था कि राजमा मैं बना दूंगी लेकिन मैंने बनाया नहीं तो इसी वजह से जो है वो थोड़ी सी उदास हो रही है गुस्सा आ रहा है उसे कि आपने क्यों नहीं बनाया तो मैंने कहा बेटा कल छुट्टी है तो मैं कल बना दूंगी उसके लिए तो कल जो है राजमा मुझे ज़रूर बनाना पड़ेगा उसके लिए देखिए बारिश आ चुकी है थोड़ी देर बरस जाए तो मौसम अच्छा हो जाए और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये हवा ऐसे ही चलती रहे तो फाइनली बारिश अच्छे से आ रही है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और आजकल जो है मेरे ब्लॉग थोड़े लेट हो रहे हैं क्योंकि जो है थोड़ा सा बिजीनेस चल रही है मुझे कहीं जाना भी पड़ रहा है तो इसी वजह से जो है मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था और जो भी शूट किया था उसे एडिट नहीं किया था तो फिलहाल तो ये जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है आई होप आपको पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए अपने लिए अपनों के साथ टिल देन बाय बाय